हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो मैं अपने चैनल में आप सभी प्यारे भक्तों का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने लड्डू गोपाल का फुल डे का रूटीन लेकर के आई हूं। सुबह से रात तक की सेवा में किस प्रकार लड्डू गोपाल की करती हूँ। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप अपने लड्डू गोपाल का फुल डे का रूटीन हमारे साथ शेयर कीजिएगा वीडियो, तो वही मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये, लड्डू गोपाल जिस घर में प्रवेश करते हैं वो उन्हीं का घर होता है। ये ना सोचें आप उन्हें लेकर आए हैं, लड्डू गोपाल ने खुद आपको और आपको घर को चुना है अपनी सेवा के लिए। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी ज़रूरी है। आप काफ़ी समय से सोच रहे होंगे हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, लड्डू गोपाल की सेवा लेनी है, लड्डू गोपाल घर लेकर आना है, लेकिन आप नहीं लेके आ पा रहे हैं। कभी ऐसा भी हो जाता है आपको उपहार में मिल जाते हैं, कई बार तो ऐसा होता है आप लेने कुछ सामान जाते हैं मार्केट और लेकर के लड्डू गोपाल आ जाते हैं, क्योंकि जब भगवान आना चाहते हैं तब वह स्वयं ही आ जाते हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है लड्डू गोपाल की सेवा में बहुत से ताम झाम करने पड़ते हैं, बहुत से आडंबर करने पड़ते हैं। केवल और केवल आपके मन की भाव सच्ची होनी चाहिए। ये सोचें आपके घर एक नन्ना बालक आया है तो आपके लड्डू गोपाल की सेवा में कोई नियम नहीं लगेगा। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे का ख्याल रखा जाता है, समय पर स्नान कराना, समय पर भोजन कराना, उसी तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। तो देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल को जगा दिया है, और किस तरीके से मैं अपने लड्डू गोपाल को जगाती हूँ आपने देखा ही है। घंटी या फिर ताली बजा करके लड्डू गोपाल को हम जगाते हैं। और मैंने ये बर्तन ले लिया है लड्डू गोपाल को, हर रोज़ मैं इसी में स्नान कराती हूँ, इनका बर्तन मैं अलग ही रखती हूँ। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो जल में मिला करके, गंगा जल डाल करके, तुलसी का दल डाल करके आप लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो सादा तरीके से आप जल ले करके सिर्फ उस देखेंगे। कभी आपके लड्डू गोपाल बहुत ही मुस्कुरा रहे होते हैं, कभी थोड़ा नाराज होते हैं किसी बात पर आपसे। तो इस तरीके से जो लड्डू गोपाल में प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं, हमारे लड्डू गोपाल प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो हम क्या करें। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सेवा करते रहिएगा, आपके लड्डू गोपाल में आप स्वतः ही प्राण आ जाएंगे। तो और बात करते हैं किस साइज के लड्डू गोपाल घर में लेकर आएँ। आप चाहें आप अच्छे से सोच समझकर लड्डू गोपाल का साइज लेकर के आइएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद वो लड्डू गोपाल आपको छोटे लगने लग जाते हैं। उसके बाद आप उसी प्रकार अपने लड्डू गोपाल को उठाइए जिस प्रकार आप अपने नन्हे बालक को जगाते हैं। उन्हें थोड़ा उठाने के बाद जल अवश्य पिलाएं और लड्डू गोपाल के बर्तन अलग ही रखें। इसके बाद अगर सर्दियाँ हैं तो लड्डू गोपाल को 7:30 बजे उठाइएगा, और गर्मियाँ हैं तो 6:30 बजे आप लड्डू गोपाल को उठा सकती हैं। देखिए, मैं जिस प्रकार सेवा करती हूँ उसी प्रकार आपको बता रही हूँ, बाकी का आपका मन है। आपको जैसे ठीक लगे आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको
दोष नहीं लगेगा जब आप अपने लड्डू गोपाल की एक रिश्ता बना करके, बच्चा बना करके, दोस्त बना करके, पिता बना करके, भाई बना करके उनकी सेवा करते हैं। अगर आपसे कोई गलती भी होती है, जैसे आप उस उनकी पीरियड टाइम में भी सेवा अर्चना कर सकते हैं, आपकी सारी गलतियां वो माफ़ करेंगे, क्योंकि आपने उनको अपना बेटा बनाया है या अपना सखा बनाया है। तो इस तरीके से आप तुलसी दल अवश्य डालें जल में। जब वो गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो लड्डू गोपाल के लिए जल उनके पास अवश्य रखें। और मैं सुबह मॉर्निंग में स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल को दूध का भोग अवश्य लगाती हूँ। तो जिस तरीके से मैं सेवा अर्चना करती हूँ, मैं आपको उसी प्रकार बता रही हूँ। चंदन से तिलक कर सकते हैं, रोली कुमकुम से कर सकते हैं आप। तो मैंने इसमें मिश्री रख दी है। जब माखन होता है तो मैं माखन भी साथ में रखती हूँ। और तुलसी के दल मैंने लड्डू गोपाल को चढ़ा दिया है, बाकी का भोग मैं तुलसी में रख दूंगी। और मैंने दो चार काजू रखे हैं और दूध का भोग लगा देंगे इस प्रकार। लड्डू गोपाल की पूजा करने के बाद उसके बाद हम लड्डू गोपाल को भोग लगा देंगे, जो हमने भोग लड्डू गोपाल के पास में रखा है। आप अपने लड्डू गोपाल के लिए बर्तन, तावे, पीतल, स्टील, जो भी आप खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बर्तन पीतल अथवा चांदी के ही होने चाहिए और उन बर्तनों को घर के काम में इस्तेमाल ना करें। बस ये बात आप अवश्य याद रखें। अब बात करते हैं वस्त्र की। तो मौसम के अनुसार ही आप लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाइएगा। सर्दियाँ हैं तो गर्म वस्त्र पहनाइए, और गर्मियां हैं तो आप कॉटन के वस्त्र अपने लड्डू गोपाल के लिए व्यवस्थित कीजिएगा। तो मैं देखिए लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया है। मैं सर्दियों में लड्डू गोपाल को गर्म ही वस्त्र पहनाती हूँ। अब मौसम थोड़ा बदल गया है तो मैंने इस तरीके से लड्डू गोपाल की जो पोशाकें हैं वो निकाल कर रख ली हैं। और लड्डू गोपाल के लिए साथ ही जल भी हम पिला देंगे। हमने ये जल पिला दिया है। अब हम 11 बजे करीब लड्डू गोपाल के लिए भोजन पकाएंगे। तो सात्विक भोजन का ही हम लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं। सात्विक भोजन यानी बगैर लहसुन प्याज का भोग लगाते हैं। हमारे यहाँ मांस मदिरा का कोई भी प्रयोग नहीं होता है घर में, तो उससे हम निश्चिंत हैं। तो इस तरीके से बिना प्याज का हम लड्डू गोपाल के लिए खाना बनाते हैं। तो देखिए मैं लड्डू गोपाल को दही, अधिकतर क्या होता है सब्जी घर में जो बनती है उसमें प्याज पड़ी हुई होती है, तो प्याज वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है लड्डू गोपाल के लिए भोजन भोग लगाने के लिए। तो मैं ज़्यादातर लड्डू गोपाल के लिए दही या फिर माखन, अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप रोटी बना करके उस पर घी लगा करके सिर्फ चीनी से भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल को। अगर चीनी, अगर आपके पास दूध की मलाई है तो वो रख करके लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। आप जैसा भी उनको भोग लगाएंगे वो सब स्वीकार करते हैं। आप ये ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ उनको सूजी का हलवा या फिर फ्रूट या फिर ड्राई फ्रूट ही उनके लिए आगे रखिएगा। वो तो आपकी, आप करके देखिएगा, आपकी सेवा से वो ज़रूर प्रसन्न होंगे इस तरीके से। तो देखिए जब दोपहर हो जाती है 4 बजे के आसपास, मैं जब चाय पीती हूँ तो कभी कभार चाय का भोग लगा देती हूँ लड्डू गोपाल को। नहीं तो मैं कुछ भी रखा होता है घर में, मेरे पास ड्राई फ्रूट्स या फिर ग्रेप्स होते हैं या जो भी अवेलेबल होता है, मैं उसका भोग लगा देती हूँ। तो अब हमारा ये रात का रूटीन शुरू हो गया है। हम शाम को लड्डू गोपाल को भोग लगाया था मेरे बच्चे ने, मैं खाना पका रही थी तो उसका वीडियो हम नहीं बना पाए हैं। बाकी का आपके पास हमने अब रात्रि का लड्डू गोपाल के लिए दूध का भोग लगाने के बाद उनको शयन कराएंगे, तो उसकी हम वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ, मैं खाना पका रही थी, मेरे बच्चे ने ही भोग लगाया था। कभी कभी बच्चे भी लगा देते हैं, बच्चे सुला भी देते हैं लड्डू गोपाल को। तो देखिए आप इस तरीके से अगर ताली बजा करके या फिर घंटी बजा करके लड्डू गोपाल को भोग लगाइएगा और दूध पिलाने के बाद उनका मुंह अवश्य साफ कीजिएगा और जल पिलाइएगा उसके बाद ही। और लड्डू गोपाल को जब भी आप सुलाएं तो सारे उनके चुभने वाले गहने वस्त्र उनको उतार करके तभी आप सुलाएं लड्डू गोपाल को, जिससे वो अच्छे से सो पाएं। तो मैं इस तरीके से सारी ज्वेलरी लड्डू गोपाल की इनकी हटा दूंगी, मैं निकाल करके रख दूंगी। उसके बाद लड्डू गोपाल को शयन कराऊंगी और मैं बंसी इनकी सोफे पर रख देती हूँ, उसके बाद सारी ज्वेलरी अलग रख देती हूँ। और आप उनको नंगा ना सुलाएं लड्डू गोपाल को, कुछ ना कुछ वस्त्र अवश्य पहने हों, चाहे सिर्फ वो निकर ही पहने हों पर पहना के ज़रूर सुलाइएगा उनको। मैं इस तरीके से इनको, ये इनका निकर है लड्डू गोपाल का, इसको पहना दूंगी और उसके बाद इनको मालिश भी करनी है। जब मुझे टाइम मिलता है तो वैसे मैं कोशिश करती हूँ हर रोज़ लड्डू गोपाल की मालिश करने की। अगर किसी दिन मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैं लड्डू गोपाल की मालिश नहीं भी कर पाती हूँ। तो
मैं सिर्फ उनको हाथ पैर उनके दबा करके और उनको शयन करा देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप मालिश कर पाएँ, अगर आपको टाइम मिलता है तो सिर्फ उनके हाथ पर दबा करके, क्योंकि वो छोटे बालक हैं, पूरा दिन खेलते हैं। मैं ये सब चीज़ें नहीं करती हूँ कि लड्डू गोपाल को दोपहर में मोबाइल दिखाना या फिर उनको दोपहर में झूला झुलाना, ये सब तो इतना अवेलेबल मेरे पास नहीं होता, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं। मैं जिस तरीके से सेवा करती हूँ मैंने आपको उसी तरीके से शेयर किया है। मैंने कुछ भी दिखावटी आपको बनावटी नहीं दिखाया है। मैं इतना ही कर पाती हूँ अपने लड्डू गोपाल के लिए। मैंने इतनी ही वीडियो आपके साथ शेयर की है कि मैं लड्डू गोपाल को दिन में मोबाइल दिखाऊँ या फिर उनको दिन में सुलाऊँ, मैं ये सब नहीं कर पाती हूँ। सुबह लड्डू गोपाल को भोग स्नान नहला करके, स्नान करा करके उनको सब भोग लगा करके, और उसके बाद फिर भोजन का भोग लगाती हूँ, पहले दूध का फिर भोजन का, फिर उसके बाद दोपहर को कुछ भी होता है तो उसका भोग लगाती हूँ। रात्रि को जब भी भोजन बनाते हैं हम उसका भोग लगा देते हैं, फिर सुलाते समय उनको दूध का भोग लगा करके लड्डू गोपाल की मालिश कर करके, मालिश अगर टाइम होता है तो मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ वैसे मालिश करने की, तो मालिश करके, वरना इनके हाथ पर दबा करके। मेरे बच्चे अधिकतर अगर सुलाते हैं तो वो सिर्फ इनके हाथ पर दबा करके इनको कोई भी लोरी सुना देते हैं, वो भजन गा देते हैं या फिर इनसे बातें कर करके इनको बोलते हैं, लाला आप सो जाओ, कैसे जागे हो, कब सोओगे, कितनी देर में सोओगे, इस तरीके से बात करके इनको सुला देते हैं। तो मैं बड़े लाला की भी मालिश करके इनको सुला दूँगी। जब मालिश वालिश होती है इनको तो इन्हें बड़ा अच्छा लगता है, बड़े खुश होते हैं ये, क्योंकि चेहरे का भाव इनका बताता है। मैंने तो खुद नोटिस किया है। आप कीजिएगा अपने लड्डू गोपाल की सेवा तो आपको खुद पता चलेगा कि कब लड्डू गोपाल आपके खुश हैं, कब उदास हैं। सारे आपको एक्सप्रेशन देंगे ये कि मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा से महसूस हो रहा है इनको। तो इस तरीके से हर रोज़ की लड्डू गोपाल की सेवा मैं करती हूँ। आपको ज़्यादा आडंबर करने की ज़रूरत है ही नहीं, मैंने सादा तरीके से आपको बताई है। इस तरीके से मालिश करने के बाद इनका मुँह जरूर अवश्य साफ करें। और मैंने ये वस्त्र इनको पहना करके, इनके हाथ पर दबा करके फिर हल्का सा इनको लोरी सुनाती हूँ। मैं कोई भी भजन गाती हूँ या कुछ भी नहीं आए तो सिर्फ आप राधा राधा, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे बोल बोल कर आप इनको सुला दीजिएगा। इनको राधा नाम लेने से, ये अपना खुद का नाम सुनने से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितना आप ये राधा नाम बोलने से प्रसन्न होते हैं। तो इस तरीके से राधा नाम लेकर के इनको खुश करते रहिएगा, ये आपको खुश करते रहेंगे। प्यारी सी सेवा मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, और मेरी वीडियो को काफ़ी सारा प्यार दीजिएगा। राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। पता है जिन लोगों का कमेंट आता है मेरे पास, जो भी आए मैं उनको उनके वो राधे राधे नाम लिख करके ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। आप लोगों के ज़रिए मैं राधे राधे नाम लिख सकती हूँ, तो इससे मेरा भी, इससे मुझे भी राधे नाम लिख कर और लिखने का बोलने का मौका मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे भक्त मुझे कुछ भी रिप्लाई करते हैं और मैं उनको राधा नाम लिख करके राधे का नाम बोलती रहती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से मुझे तो सेवा करना लड्डू गोपाल की। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे दोनों लाला सो चुके हैं, अब इनको सुबह हम जगाएंगे स्नान कराने के बाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे।